थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स देखिए सिक्स आठ हैंड से टच होने चाहिए हाँ आपका सही है सिक्स हिप ऊपर चिन नीचे हिप ऊपर सिक्स चिन नीचे हिप ऊपर आठ हैंड स्टार्ट नमस्कार सिक्स सेवन वेरी गुड पैर पीछे सटाएं पास पास पैर सटाएं पीछे पास सेवन एट नाभि देखिए नाभि मैट से बाहर आ गया नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थ्री मैट से कोई बाहर नहीं जाएगा ठीक है आगे थोड़ा आके फर्स्ट स्टेप यहां से शुरुआत करें एकदम आगे से सूर्य नमस्कार हम इसे आगे शुरुआत करते हैं ठीक है वन टू थ्री फोर ऊपर देखे सूर्य को फाइव वेरी गुड जमीन से पैर पंजा जमीन पूरा प्रज्ञा सिक्स सेवन पैर सटाए प्रज्ञा एट बहुत अच्छा कर रहे हैं सब नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व रिलैक्स बहुत अच्छा वन वेरी गुड आगे आके मैट पे फर्स्ट स्टेप हमेशा आगे आके और जो लास्ट स्टेप हो यही में रहने मिलने चाहिए आप अगर पीछे करते हैं समझिए गलत स्टेप थी ठीक है लास्ट में अपने आप यहीं पे आ जाएंगे फिर से वन टू सांस अंदर थ्री श्वास बाहर श्वास अंदर वेरी गुड बहुत अच्छा ऊपर देखे फाइव नाभि देखे नाभि श्वास बाहर नाभि देखे नाभि सिक्स अष्टांग नमस्कार में आठ हैंड टच दोनों पंजे दोनों घुटने चेस्ट चीन दोनों हाथ बाकी सब ऊपर होना चाहिए जमीन से दोनों पंजे दोनों घुटने पैर के घुटने प्रज्ञा पैर घुटने एक ऊपर चलिए सेवन सबका सही बात है वेरी गुड एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बहुत अच्छा वन आज से नमस्कार तो याद हो जाना चाहिए कम से कम टू थ्री श्वास बाहर फोर फाइव सिक्स सेवन वेरी गुड एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बहुत अच्छा चलिए फिर से वन याद हो जाए पूरी अच्छी तरीके से पंजा स्टाइल पैर टू हाथ थ्री सांस बाहर कर फोर ऊपर देखिए वेरी गुड फाइव बहुत अच्छा सिक्स वेरी गुड
सिक्स, सेवन, एट, जब तक सिक्स नहीं होगा इसको फिर से आएंगे, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। एक बार सिक्स देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। सिक्स नहीं कर पा रही सिक्स, देखिए ये खड़े हैं, ठीक है, ये घुटना रख दिया, ठीक है। जैसे सिक्स के पहले क्या आता है, फाइव आता है, तो ये फाइव है, ये देखिए फाइव है, यानी कि चार अंग जमीन पे है, चार अंग जमीन पे है, और अष्टांग में आठ अंग जमीन पे होना चाहिए, अभी चार अंग बाकी है, तो ये दो घुटना रख दिया, घुटना टेक दिया, फिर अब छह हो गया, दो और रखने हैं, तो ये चेस्ट रखा और चिन्ह रखना, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया पक्का, रिवाइज कर दे, देखिए चार दो छह दो आठ, चेस्ट और चिन्ह, चेस्ट है और चिन्ह दाढ़ी, और अगर चिन्ह नहीं करेंगे तो छवि साथी होगा ना, अगर ये चेस्ट रखा और चिन्ह भी, बहुत लोग ऐसे चिन्ह ऊपर कर दिए, चिन्ह नहीं चिन्ह भी ऊपर नीचे, तो इस तरीके से अष्टांग नमस्कार हो गया। फिर इसके बाद इसी में भुजंगासन, पहले से स्टाइल भुजंगासन, ठीक, चलिए वन, अच्छे से अब किसी कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, टू, थ्री, वेरी गुड, आप सही जा रहा है, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स, वेरी गुड, सही से एकदम, बहुत अच्छा, सीख गई, सेवन, बहुत अच्छा, एट, अभी सेवन में मिस्टेक है, अभी बताते हैं इसके सेवन क्या मिस्टेक, ना भी देखिए, नाइन, वेरी गुड, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ये हो गया। एक मिस्टेक और आप सुधार लीजिए कि सेवन मिस्टेक है, उसका लास्ट है, ठीक है, उसको भी सही कर लीजिए, तो आप लोग पूरा सूर्य नमस्कार आपको आज याद हो गया, ठीक है। सेवन में क्या करते हैं, पहले भुजंगासन, ये देखिए, ये सेवन जब करेंगे तो सेवन पहले ऐसे हाथ रखा है, ठीक है, अष्टांग नमस्कार किए हैं, सेवन पहले सिक्स आता है, सिक्स आ जाए पर, तो सिक्स में ऐसे है, ठीक, ऐसे है, तो ये लेट गए, लेट गए, अब चिन्ह ये रखा, और ये इसमें हमारा ये हाथ एल्बो हमारा पेट की तरफ होना चाहिए, और पीछे पैर हमारा सटा होना चाहिए इस तरीके से, सेवन, नाभि पे खिंचाव पड़ना चाहिए, भुजंग में नाभि पे खिंचाव पड़ना चाहिए, यहां पे तो खिंचाव पड़ना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, ये अष्टांग नमस्कार के बाद, ये अष्टांग नमस्कार के बाद लेट जाएंगे, इसे लेटेंगे ऐसे, पैर पीछे सटा लेंगे एकदम एड़ी पंजा, फिर ऐसे धीरे धीरे, और पूरा नहीं उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, ठीक है, पूरा उठाएंगे सेव गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे इतना उठाएंगे तब भुजंग आएगा पूरे, ठीक है, चलिए अच्छे से करिएगा, और कोई डाउट हो नहीं, ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखेंगे गड़बड़ होगा बताएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिक्स, एक लोग फाइव में मिस्टेक कर रहे हैं आप, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, बैठ जाइए, आप लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और आसानी से सर, आप लोग को पहले योगा किए हैं क्या सब, नहीं, क्योंकि सूर्य नमस्कार पहली बार में इतना अच्छा सब आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, गेट से तेज हवा रहा है, तेज हवा में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कभी, इसीलिए पंखा बंद करते हैं, तेज हवा में एक्सरसाइज करना शरीर में दर्द पैदा करता है, ठीक है, अगर आप कभी
पंखे में सोइए तो आपको शरीर में सुबह सुबह दर्द होता है। अभी आप लोग देखिए तेज हवा को चलता रहे या कूलर के पास जब सो जाइए, पूरे शरीर में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पीट दिया है पूरा, सुबह उठेंगे मतलब शरीर ही नहीं सीधा होता है। और अगर वही गर्मी में सोइए तो गर्मी तो लगती है लेकिन शरीर चाहे जैसे फ्लेक्सिबल लगता है। आप इसमें देखिएगा, अंतर देखिएगा, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में है कि तेज हवा में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और अगर जो तेज हवा में एक्सरसाइज करवाता है यानी उससे पैसा कमाने के लिए आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, स्वस्थ नहीं कर पाएगा। फिर एसी ठीक है लेकिन एसी का टेम्परेचर भी इतना है। अयंगर जी का नाम सुनिए आप लोग, वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है योग करवाते थे। एक दिन अगर करा देना सब पतले हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। पहले हम जब योग सिखाते थे लोग कहते थे सर पंखा चालू कर दीजिए, एक दिन लगता है, फिर तीसरे दिन से सर कहते सर पंखा बंद कर दीजिए शरीर गर्म नहीं हो रहा है, खुद ही कहने लगते हैं। देखिए क्या होता है, एक सूखी लकड़ी है और एक गीली लकड़ी है। सूखी लकड़ी क्या होता है पटाख से करीब टूट जाएगा, और गीली लकड़ी क्या होता है शहतूत की लकड़ी जैसे होता है, काट दीजिए पूरा पूरा मोड़ दीजिए, उसे गट्ठर भी बांध सकते हैं आप। तो ऐसा अपने शरीर को बनाइए कि आप गट्ठर बांध सके, ठीक है। तो इसलिए पहले जब भीग जाएगा शरीर पसीने से तो नसें नहीं खींचेंगी, डैमेज नहीं होगा शरीर। और अगर आपका शरीर वार्म अप नहीं होता अच्छे से, भीगता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है नहा के अगर आइए तो रोम शरीर खुल जाता है और अच्छा शरीर को रिस्पॉन्स मिलता है, फ्लेक्सीबल हो जाता है बॉडी। अगर आपको जल्दी योग अभ्यास सीखना है तो नहा करिए। और जब पहलवान वहलवान कुश्ती करते हैं तो उसे पूरा शरीर में ऑयल लगा लेते थे, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है ताकतवर बनने के लिए। तो उसके लिए पहले वार्म अप, नहा के आए और अच्छी बात है, नहीं नहा करते कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहा के आते तो और अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी, रोम छिद्र खुल जाएंगे। और दूसरी चीज वार्म अप अच्छे से होगा तो आपका नस नहीं खींचेगा, नहीं तो चला कर रहे हैं अधम स्वानासन पीछे से नस कीजिए प्रज्ञा कह रही कि हमारा पैर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। चलिए हम फिर से आसन करेंगे किसी चीज से फ्लेक्सिबल कुछ, ठीक है। सूर्य नमस्कार आप लोग सीख गए 10 बार किए कम से कम, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे बैठ जाए आराम से, कौन कौन पद्मासन लगा लेता है लगाए, ये पद्मासन, ये ऐसे, हाँ वेरी गुड। आप भी सभी ट्राई करें, अच्छा कोशिश नहीं कर पा रहे, चलिए एक बार ट्राई करें, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें फिर से ट्राई करें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, अरे जादू नहीं हो रहा है करिए तो बहुत मजा आता है, 2 3 और तो कोई वाला आसन सबसे अच्छा लगता था, हम जब मंदिर में सिखाते थे तो कहते थे ये तो जैसे बच्चे खिलाने वाला है, ऐसे 4 5 6 7 8 अभी देखिए परमासन लगेगा सबका, 9 10 11 12 13 14 दिमाग भी चलता रहेगा, 15 16 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, 17 18 आराम से हो जाए तो दिन आप देखिए, 19 20 रिलैक्स, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे बैंड होते थोड़ा, 16 17 18 19 20 एंडिंग 1 2 3 4
17, 18, 19, 20 बहुत अच्छा सर। ये पुराने वाले भी जैसे चक्की चला रहे हैं ना, नए वालों को छोड़ दीजिए, ये पुराने वाले भी जैसे चला रहे हैं, एक को किलो आटा ना पीसे का दिन कर ये सब सो रहे हैं, तीनों सो रही है तो ठीक करिए, दोनों सो रहे हैं। चलिए चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी के साथ करिए, वैसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एनर्जी के साथ चलिए सांस करिए, अंदर फिर ब्रांच में करिए, सांस अंदर बढ़िया से, हाथ ऊपर, ये सिंपल योगा का है, ठीक है। ओ एक बार
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स, 10 के बाहर आने लगते सोचते हैं कितना पता नहीं जाएगा, नहीं रिलैक्स रिलैक्स सब ऐसा रिलैक्स. मकरासन, आगे वाले मकरासन करें, पूनम सुरभि मकरासन, चिन के नीचे हाथ, मकरासन, पैर दूर दूर, पैर दूर दूर, जितना उसके दूर, हाँ, लेफ्ट साइड ईयर, लेफ्ट साइड ईयर हाथ पे, हाँ, इसको कहते हैं मकरासन. कर्ण शक्ति विकास है, कान का विकास होगा, ज्यादा तेज सुनाई देगा, अच्छे से स्पष्ट. वन टू, बहुत आराम मिलता है इसमें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट साइड, राइट ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, बैठ जाइए, सोने का मौका नहीं मिलेगा, बैठ जाइए. अब ओम का उच्चारण पांच बार, पांच बार ओम का उच्चारण, चलिए पांच बार मकरासन, पांच बार मकरासन करिए. चलिए ओम उच्चारण, पद्मासन लगा लेते, लो लगा लेता है, ठीक है, अभ्यास करें पद्मासन का, अभ्यास सिद्धासन है पद्मासन, चलिए पद्मासन लगा ले, जो लोग लगा लेता है, चलिए ओम का उच्चारण करें सब लोग एक साथ. ओ देखने का प्रयास करें, शरीर में
ढेर सारी पतली पतली नसें हैं, पाइप जैसी पतली पतली नसें हैं, उसको देखने का प्रयास करें और उसमें देखिए रेड कलर का ब्लड फ्लो हो रहा है तेजी से, कितना तेजी से फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, कितना तेजी से फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, कितना तेजी से, क्या स्पीड है उस ब्लड फ्लो सर्कुलेशन की पूरे शरीर में, देखिए हाथ में, पैर में, पेट में, माथे में, चेहरे में, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, मन की आंखों से उसको देखने का, इमेजिन करने का, अपनी कल्पना दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करिए। गहरी लंबी श्वास, अब मेरे साथ बोलिए, आंख बंद करके ही, आंख खोलेंगे नहीं बिल्कुल, बंद करके ही बोलेंगे, मैं निरुक्ता माधुरी आनंद घोष सती बुद्धि बल प्रकाश ज्ञान चमत्कार प्रेम विश्व की प्रकृति की ब्रह्मांड की सभी सभी प्राकृतिक प्राकृतिक सकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर धारण धारण कर रहा हूँ। श्वास अंदर खींचे, मैं रोग दोष पाप शोक भय अज्ञान अंधकार आलस निद्रा अतिनिद्रा द्वेष विश्व की प्रकृति की ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक शक्तियों को इस शरीर से आत्मा से बाहर निकाल रहा हूँ। श्वास बाहर निकालिए, और श्वास को बाहर निकालने में तो इसको कल्पना हमेशा करा करें कि आपके शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल गई, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बुरा लगना, ये सब चीजें सब बाहर निकल गए, ये सब चीजों से ऊपर उठ जाए आप, ठीक है, क्रोध, कमजोरी, आलस, अतिनिद्रा, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा हम कल्पना करते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है, नहीं बनी है हमारे लिए, थकान नाम की चीज हमारे लिए है ही नहीं, जैसा हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं वैसा हमारा शरीर और मन उसी तरीके से कार्य करता है, ठीक है, वो सब हमारे दिमाग और हमारी संकल्प शक्ति हमारी प्रेरणा पे निर्भर करता है, किस तरीके से अपने शरीर और मन को प्रेरणा देते हैं, किस तरीके से अपने शरीर और मन को शक्ति देते हैं। ओम उच्चारण करें, ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ॐ शांति 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 शांति। दोनों हाथ को अगड़े तेजी से और तेजी से अपने चेहरे पे रखें, आंख पे रखें, आंख पे रखें, गर्मी को महसूस करें, आंख को उसी में अंदर ही अंदर खोलने का खोले या बंद करें, पलकों को खोले बंद करें, हल्का हल्का चेहरे पे फिर रिलैक्स, आंख खोले और छोड़ें। आज की क्लास ओवर, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है, बताना हो बता सकता है, ठीक है सर, और सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा इसमें, ये रजिस्टर है यहाँ पे, आगे एक करके आइएगा, रजिस्टर पे अटेंडेंस लगा दीजिए जो भी आया है, ठीक है। बाकी इसी समय पे आप लोग आज ने आज लेट से योग अभ्यास शुरू किया, 7:15 पे सेंटर पे सभी लोग उपस्थित हो जाएं, ठीक है, कोशिश करें कि 7:10 पे उपस्थित हो जाएं, ठीक है, जिससे समय से योग अभ्यास शुरू हो ताकि आगे वालों का लेट ना हो, क्योंकि 8 बजे से फिर से योग अभ्यास शुरू होता है, ठीक है, समय से 7:10 तक आ जाएं ताकि 7:15 में सेटिंग उटिंग करने में ये सब मैट बिछाने में हो जाए और 7:15 से 8 बजे तक कम से कम 45 मिनट की अच्छे से वर्कआउट हो। अगर आप रेगुलर 45 मिनट करेंगे तो आपके शरीर के एक एक अंग के कोई रोग नहीं बचेंगे और क्षमता इतनी हो जाएगी कि आज सुबह मैंने 30 बार सूर्य नमस्कार लगातार कराया और किसी को कोई थका नहीं, उसके बाद भी एक्सरसाइज, तो ये अभ्यास होता है। थकान नाम की चीज डिक्शनरी में से बाहर निकल जाती है, तो कितनी बार किया, 10 बार की है, ये देखिए एक बार करने से थक जाता है, क्या 10 बार कर ली पता नहीं चला, ठीक है, आज ऊर्जा आपको ज्यादा महसूस होगा, आप देखिएगा दिन भर,
लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। सही तरीके से करिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए, शरीर को समझने का प्रयास करिए, दुनिया